आप सब मेरे आते हैं ऐसे शांत हो गए जैसे जीएसटी की शोक सभा में आए हो। अच्छा वो जीएसटी बदल गई है अब, कल परसों नया कुछ आ गया है ना कि वो दोबारा स्लैब आएगी। तो मैंने अपने सीए को बोला पूछा मैंने, भाई ये क्या कर दिया जेटली जी ने, ये दोबारा कुछ स्लैब वलैब कुछ क्या कर रहे हैं? बोले जी पता नहीं, पहली वाली 4 साल में समझ में आई थी, अब ये दोबारा दे दी है। मैं तो सोच रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट का धंधा छोड़ के पकौड़े का ठेला ही लगा लूं। अच्छा है, देखो देखो इसमें ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं, प्रधानमंत्री हमारे दोस्त हैं, वो बहुत पुराने, और एक बात तो मानोगे गुजरात के लोगों, पूरा देश मानता है कि पीएम से बढ़िया स्पीकर कोई नहीं है, उनसे बढ़िया वक्ता कोई नहीं है इस समय देश में। जब वो भाषण देते हैं मतलब हम इतने सम्मोहित हो जाते हैं, जब वो जनता के सामने बोलते हैं ऐसा सम्मोहन छा जाता है कि आधा पौन घंटे वो बोलते हैं हमको पता नहीं चलता कि कट गई। वो तो बाद में सीए बताता है कि आप ही की गई। ये तो अच्छा है। और देखो राहुल गांधी इस समय कॉन्फिडेंस में है, अभी तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी चुनाव से पहले, बताओ मानसरोवर गए, यज्ञोपवीत पहना, सोमनाथ भी आए थे मानसरोवर के बाद मुझे मिल गए थे एक दिन लॉन्च में एयरपोर्ट पे दिल्ली में। मैंने कहा सर ये मानसरोवर मंदिर गए थे आप और सोमनाथ भी गए थे, भगवान से क्या मांगा? बोले वर। मैंने कहा अब तो 48 के हो गए, अब तो वधू मांग लो। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। मजा लो, मैं कोई कवि अभी नहीं हूं, मैं फेस्टिवल हूं, उत्सव हूं। आप इस फेस्टिवल को मनाओ, न्यू ईयर को मनाओ मेरे साथ, सुनिएगा। कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। मुझे गुजरात अच्छा इसलिए लगता है, मारवाड़ी लोग इसलिए अच्छे लगते हैं राजस्थान के, कि आप लोग कितना भी पैसा कमा लें उसके बाद भी आप अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने खान पान से जुड़े रहते हैं। पूरी दुनिया में आप गुजराती, आपको बिजनेस क्लास की बगल की सीट पे भी आपको फाफड़ा लिए हुए मिल जाएगा। भाई क्या हो गया? नहीं भाई मैं समझ जाता है, मैंने कहा 400-500 करोड़ से नीचे करनी है कार्यक्रम। दूसरे आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं लोग, अमिताभ बच्चन जैसा बड़ा सुपरस्टार, उन्होंने किस्सा बहुत अच्छा सुनाया, अमिताभ बच्चन की जब पहली फिल्म जंजीर रिलीज हुई और वो थोड़े पॉपुलर हो गए, जीवित किस्सा है जीवन, तो आप पहली बार सुनेंगे, तो अमिताभ जी ने बताया कि मैं सेंटा क्रूज पे फ्लाइट पकड़ने गया था और नई नई बिजनेस क्लास एयर इंडिया में मिलती थी, तो वहां मुझे एक सज्जन मिल गए, उन्होंने कहा अरे अमित भाई तुम्हारा फिल्म देखा बहुत बढ़िया। अमित भाई पहले भी थे। अच्छा अमित भाई कहते हैं सन्नाटे में आ जाते हैं। बोला अमित भाई तुम्हारा फिल्म देखा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमिताभ बच्चन ने कहा फैन मिला, बड़े खुश हुए अमिताभ बच्चन। अरे सर सर आपकी बड़ी कृपा बड़ी कृपा। तो बोला अमित भाई एक छोटा सा काम कर दोगे मेरा, मैं थोड़ा स्ट्रगल के दौर में हूँ। उन्होंने कहा बताइए क्या काम है? बोले वो मेरे को प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मेरे को एक सामान बेचना है प्लॉट, एक मद्रासी आएगा अभी मिलने, तो थोड़ा क्रेडिबिलिटी का संकट है, तो मैं उससे बात करूं तो 10-5 मिनट बाद मेरे पास से निकल के नमस्ते कर लेना कि कीर्ति भाई नमस्ते। तो बोले जरा मद्रासी को लगेगा कि मैं पॉपुलर आदमी हूं, माल सबको बेचा है। अमिताभ बच्चन ने सोचा यार कि स्ट्रगल के दिनों में मैंने भी पापड़ बेले, चलो मैं मदद कर देता हूं। अब किस्सा सुनिए आप, गुजराती का ह्यूमर देखिए और ताकत देखिए कैसे अमिताभ बच्चन को बेच दिया। अब मद्रासी आया, बातचीत शुरू हुई, अमिताभ बच्चन 15 मिनट बाद उठे और कांति भाई के कंधे पे हाथ रख के बोले कि कांति भाई नमस्ते। तो कांति भाई नीचे नीचे बोले अमित भाई हूं अत्यारे बीजी चुप पाछे बात करी। उसने अमित भाई बेच दिए। ये जो आपका कलेवर है इसका मैं बड़ा फिदा हूं इस पर। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। महिलाएं बैठी हैं, मैं छोटा था गांव में, छोटी दिवाली से पहले दिन 5 दीपक मां जलाती थी। हम दोनों भाई बहनों को देकर क्या कहती थी, पहला दीपक मंदिर में रख कर आओ, जिस ईश्वर ने हमें सूर्य चंद्रमा दिया है उसे धन्यवाद बोल के आओ कि हम भी आपको थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा रहे हैं। दूसरा दीपक रास्ते में रख दो, कोई राहगीर अगर दिवाली पर अपने घर जा रहा हो तो हमारी ओर से थोड़ा उजाला उसे मिल जाए ताकि वो भटक ना जाए, अपने घर पहुंच सके। तीसरा दीपक अपने दरवाजे पर रख दो, अगर किसी का कोई घर ना हो तो हमारे दीपक की ज्योति हिल हिलकर उसे आमंत्रित करती रही कि कोई बात नहीं आप हमारे घर तक आ जाइए। चौथा दीपक भंडार गृह में रख दो,
ताकि हमारी ये उक्ति सार तक हो कि साई इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तब पांचवा दीपक अपने में, वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूं, वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूं।